तो अभी हमें नैनीताल के बीचों बीच में यहाँ से निकलते हैं स्कूटी के, वहाँ से सीधा कैची धाम के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हमें नैनीताल में, और अभी थोड़ा नैनीताल घूमते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा नीम करौली बाबा आश्रम के लिए। तो अभी रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, बस शर्ट पहननी है, शर्ट पहनता हूँ, उसके बाद चेकआउट करते हैं रूम से, उसके बाद थोड़ा नैनीताल में घूमते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं आश्रम के लिए। तो अभी रूम से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। तो स्कूटी अभी पार्किंग से निकालना है, उसके बाद निकलते हैं सीधा झील की तरफ। को यहाँ पार्किंग है, यहाँ पर होटल की निकाल रही। गाइस अभी नैनीताल में घुस चुके हैं, ताल के जस्ट बगल में, पर लेकिन यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है भाई, पार्किंग नहीं मिल रही गाड़ी के लिए। अभी हमें आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, पार्किंग नहीं मिल रही है। पार्किंग मिलती है उसके बाद चलते हैं बोटिंग करने आधा घंटा। 320 के दोनों आदमी के यहाँ आधा चक्कर लग। चलो ठीक है, तो यहाँ पर भाई सब बोटिंग के लिए लगी है भीड़। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो अभी हमें नैनीताल के बीचों बीच में, ये मैं बाइक चारों तरफ देखते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ मैं तुम्हें उल्टा करके। ये नैना देवी मंदिर है, दो महीने में सीजन में तो बहुत महंगा और बहुत क्राउड ज्यादा है। पूल देखो ना, लाइन लगी है। ये ट्रॉली का किराया कितना ऊपर? आने जाने का? देख रहे हो भीड़, और अभी मॉर्निंग के 9:30 बजे का टाइम पर देखो पूरा पैक हो गया है। दिन आते आते तो कितने लाइन लग जाएगी। हालत खराब हो रही है उतरने में, डर तो लग रहा है। कितना हिल रहा है यार ये। तो भाई बोटिंग तो कर ली हम लोगों ने, आधा चक्कर लगाया, अब यहाँ से निकलते हैं स्कूटी के, वहाँ से सीधा कैची धाम के लिए। पब्लिक फुल है भाई, पूरा क्राउडेड एरिया है, दबा के लोग आए हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करके साल के अंदर, और अभी यहाँ से निकलेंगे कैची धाम को। भाई स्कूटी की हालत खराब होने वाली है, स्कूटी से ज़्यादा चलाने वाले की होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अभी बहुत दूर है कैची धाम, और वहाँ से निकलना है चंपावत के लिए, लोहाघाट के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ तक आज पास पहुँच पाते हैं स्कूटी से, अभी निकलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से कैची धाम की तरफ, जो कि 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। स्कूटी से देखो कितने घंटे लगते हैं। 2 दिन से पूरा मैंने ही गाड़ी चलाई, अब तुम ही चलाओगे ठीक है वहाँ जाने तक। यहाँ से अभी तुम्हारी बारी है पूरी गाड़ी चलाने की, घर तक चला के चला कर ट्राई करो बस। भाई इतना ट्रैफिक था कैंची धाम वाली रोड में, आप लोग देख सकते हैं पूरा 2-3 किलोमीटर ट्रैफिक। तो अभी पहुँच रहे भाई नीम करौली बाबा आश्रम, ये देखो पीछे देख सकते हैं आप, और भीड़ देखिए भाई, नेक्स्ट लेवल की भीड़ रखी है, ट्रैफिक देखिए। नीम करौली बाबा के दर्शन कर दिए हैं, इसके बाद निकलेंगे सीधा लोहाघाट के लिए।
अल्मोड़ा होते हुए और यहाँ से दिखा रहा है 174 किलोमीटर, तो 5 घंटे का रास्ता है। इस स्कूटी से बड़ा बुरा हाल होने वाला है। चलो देखते हैं, मिलते हैं आगे रास्ते में। भाई कैंची धाम से लगातार स्कूटी चला के थोड़ी देर अल्मोड़ा में रुके खाने के लिए आधा घंटा, उसके बाद लगातार चला स्कूटी चला के हाथ में बिल्कुल छाले पड़ गए हैं, एकदम लाल हो गए हैं। अभी मैंने चलाने से मना कर दिया, अभी ये चला रही है स्कूटी। अभी यहाँ से भी कम से कम 100 किलोमीटर बाकी है लवाघाट, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी 5 बजने वाले हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। निकले, बैठो, बैठ जाओ। बैठने से भी डर लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है पीछे वाले में। भाई साहब बहुत जगह रोड बहुत ख़राब हो रही है, मैं तो एडवाइस दूंगा कि स्कूटी से आओ मत, स्कूटी से आने में बहुत हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बहुत जगह पर रोड ना ख़राब हो रही है बारिश की वजह से। रोड बन रही है तो कट रही है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो तो ऐसी रोड हो रही है बहुत जगह पे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना। अभी पहुँचे हैं यहाँ दनिया से थोड़ा पीछे, क्योंकि गाड़ी गर्म हो गई थी, तो गाड़ी अभी ठंडी की है, थोड़े आधे घंटे रुक के चाय पानी पिया है। अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जो है लोहाघाट 82 किलोमीटर दिखा रहा है, और इस रोड से जाएंगे तो 60 ये पड़ेगा 76 किलोमीटर, तो हम लोग इस रोड से निकल रहे हैं। इस रोड के बाद शॉर्ट पड़ेगा, तो यहीं से हम निकल रहे हैं। कैसे लग रहा है सफ़र में, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में? आते टाइम पूरी गाड़ी मैंने चलाई है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। राइडर राइडर बननी पड़ी है भाई, सीधा तगड़ा हैवी ड्राइवर है भाई, हैवी ड्राइवर। चलो चलते हैं, अभी मिलते हैं घाट जाके, पहले घाट जाके रुकेंगे सीधा। अभी 2 घंटे लगातार चलने के बाद गाड़ी हो गई है फुल गर्म, और अपनी हालत ख़राब हो गई भाई बैठ बैठ के। तो अभी यहाँ से घाट पहुँच गए अभी, और घाट से अभी जाना है लोहाघाट। कितने किलोमीटर है? लगभग 33 किलोमीटर है लोहाघाट। तो अभी थोड़ा देर आगे बैठते हैं, गाड़ी ठंडी होने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं लोहाघाट की तरफ को। तो गाइस अभी अभी घर पहुँच रहे हैं, बहुत देर होगी, आते आते 9 बज गए, पूरे 4 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते, और गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। दिख रहा हूँ अच्छे से, क्या बोल रहे हो बोलो। तो गाइस अभी खाना पीना बना हुआ है, खाना पीना खाते हैं, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।